हाँ सितंबर में आप 1 सितंबर।
नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? मस्त हो? जबरदस्त हो? दोस्तों, आज मैं दोबारा से फिर आपके लिए एक नई टेस्ट सीरीज लेकर के आया हूँ। राजस्थान से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में राजस्थान जीके आ रहा है, और राजस्थान जीके का मतलब है पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी। और जैसा कि आप सिलेबस भी देख रहे हैं, लगातार आरपीएससी राजस्थान के टॉपिक्स में से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रही है, चाहे ग्रेड फर्स्ट हो, चाहे ग्रेड सेकंड हो, चाहे ग्रेड थर्ड हो। आज का अपना जो ये टॉपिक है वो मुख्यमंत्री है, और वो आरएस, पीएसआई, एसएससी, राजस्थान रेलवे, एनडीए, सीडीएस सब में आता है। लेकिन चूँकि मैं यहाँ पर ज़्यादा मेरा पक्ष रहेगा वो राजस्थान को लेकर के रहेगा, और मैं शुरू करता हूँ बिना टाइम गवाए। लेकिन आप कम से कम अपने दो मित्रों के इस क्लास को शेयर करें, और मैं फिर वापस आपके सामने आ चुका हूँ। और मैंने आपको जो यहाँ पर मेरा फोकस रहेगा वो राजस्थान को फोकस करके रहेगा। मैं सिर्फ ये मुख्यमंत्री संवैधानिक पक्ष के रूप में नहीं पढ़ाऊँगा, बल्कि मैं आपको राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण घटनाक्रम भी बताऊँगा, ठीक है? ओहो, बहुत बढ़िया, सभी तन धन कर आ गई है, उर्मिलाई गई है, सरोज आई गई है, उर्मिलाई गई है, एक विलेन गुड इवनिंग आ गया है, आरचू आई गई है, आप सब लोगों को सरिता आई गई है, आप सब लोगों को दिल से हार्दिक आभार है, अभिनंदन है, और आपका एक स्वागत करता हूं मैं एसएसटी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, कॉन्सेप्ट क्लासेज पर, ठीक है दोस्तों? चलो साहब, तो दोस्तों पहला ही प्रश्न जो आ रहा है आपके सामने, देखिएगा, मुख्यमंत्री जो संविधान सभा के सदस्य भी रहे थे, मुख्यमंत्री जो संविधान सभा के सदस्य भी रहे थे, गोकुल, विकास, गुड, हेमलता, कोमल शर्मा, सरिता यादव, आप सब का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। संदीप जाखर, राम राम भाई, सविता सैनी, नमस्ते, बहुत बढ़िया, राम किशोर, गुड, वेरी गुड, बहुत बहुत आप सब लोगों का पुनः स्वागत है। और प्रश्नों की सीरीज में उत्तर देना शुरू करिए दोस्तों। जैसा कि आप देख भी रहे हो, क्वेश्चन आ चुका है, और कर दो माहौल को झमाझम, ठीक है, कर दो माहौल को झमाझम। चलिए साहब, देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, राजस्थान से, कहाँ से दोस्तों? राजस्थान से अगर मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से राजस्थान की, राजस्थान से संविधान सभा में कितने सदस्य गए थे? एक तो इस प्रश्न पर चर्चा करूंगा, कितने सदस्य गए, यहां पर मेरा आपका प्रश्न रहेगा, क्योंकि ये एग्जाम में अब आने लग गई, और इसका जो उत्तर आएगा, इसका उत्तर आएगा डी, उपर्युक्त सभी, ठीक है, इसका उत्तर आएगा डी। सैनी जी, भरतपुर, गुड इवनिंग, विकेश, गुड विकेश, संदीप, रविता गुजर, गुड, राम किशोर, बहुत बढ़िया, सोनम मीना, गुड गुड, सबका आपका स्वागत है, काफ़ी बच्चों ने सही जवाब दिया है, बिल्कुल। मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ दोस्तों, मुख्यमंत्री जो संविधान सभा के सदस्य रहे, हीरालाल शास्त्री रहे थे, सी एस वेंकटाचार्य रहे थे, और जय नारायण व्यास भी रहे थे, ये तीनों रहे थे। एक्चुअली क्या है, ये तो जयपुर से गए थे संविधान सभा में, जयपुर से, ठीक है, ये सी एस वेंकटाचार्य जी उदयपुर से गए थे, सॉरी ये जोधपुर से गए थे, और ये जय नारायण व्यास जी, ये भी कहां से गए थे? जोधपुर से गए थे, ठीक है। अब मुद्दे की बात ये है कि राजस्थान से संविधान सभा में कितने सदस्य गए, बिल्कुल संदीप, कक्षा एट्थ और नाइन्थ ये कहती है राजस्थान से 14 गए थे,
लेकिन अभी एक नई बुक और आई है कक्षा 7 सेवेंथ राजस्थान की, वो कहती है 15 सदस्य गए। मैं आपको ये 15 उसकी 15 सदस्य याद करा देता हूं, ठीक है? तो कहां कहां से गए थे देख लेते हैं, ठीक है? ये तीनों मुख्यमंत्री जो संविधान सभा के सदस्य भी रहे थे, तो देखो दोस्तों कौन कहां से गया था उस पर मैं चर्चा एक बार कर लेता हूं, ठीक है ना? तो देखो जब हमें याद करना होता है, ठीक है ना, तो एक तो देखो केबीसी क्या है, केबीसी, फिर है तीन तो ये हो गए केबीसी में, फिर जब जब हीरा माटी, जब हीरा माटी गोदरामे सजे, गोदरामे सजे, ठीक है, गोदरामे सजे, ये देखो 1, 2, 3, ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है ना? इसके बाद में 10, 11, 12, 13, 14 और 15, ठीक है? तो देखो साहब ये है के एम पड़िक्कर साहब, के एम पड़िक्कर जी बताओ कहां से गए थे, बीकानेर से गए थे, ठीक है ना? ये है विजय राघवाचार्य जी, ठीक है, विजय राघवाचार्य, ठीक है, ये उदयपुर से गए थे, और ये सी एस वेंकटाचारी जोधपुर से गए थे, ठीक है, क्लियर हो गई बात? बिल्कुल साहब। अब देखो ये हो गए आपके जसवंत सिंह जी, ये गए थे बीकानेर से, जसवंत जी बिल्कुल, ठीक है। ये हैं बलवंत राय मेहता, बलवंत सिंह मेहता जी उदयपुर से गए थे, ये आपके हो गए हीरालाल शास्त्री जी, ठीक है, हीरालाल शास्त्री जी जयपुर से, ये आपके देखो साहब आपको पता है ये राम नारायण उपाध्याय जी अलवर से गए थे, ठीक है ना? ये राम नारायण उपाध्याय जी कहाँ से गए थे, अलवर से। ये देखो साहब माणिक्य लाल वर्मा उदयपुर से, माणिक्य लाल जी वर्मा, ठीक है, और ये टी कृष्णामचारी, वी टी कृष्णामचारी, ये जयपुर से गए थे। आप देखो ये मैंने सारे के सारे मेंबर आपको ट्रिक से याद करा रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखो गोदरा गोकुल लाल असावा, गोकुल लाल असावा सापुरा भीलवाड़ा से गए थे, दलील सिंह कोटा से गए थे, दलील सिंह जी कहाँ से गए थे, कोटा से गए थे, राज बहादुर जी भरतपुर से गए थे, ठीक है, और ये देखो मैं मुकुट बिहारी भार्गव साहब अजमेर मेरवाड़ा से गए थे, ये तो निर्वाचित थे, बाकी सब रियासतों से मनोनीत थे, सरदार सिंह खेतड़ी झुंझुनू खेतड़ी से गए थे, सरदार सिंह जी कहाँ से गए थे दोस्तों, खेतड़ी से गए थे सरदार सिंह। अब आप सोचिए कि ये सारे के सारे मेंबर और ये जय नारायण व्यास जी, ठीक है, जय नारायण व्यास जी, अब आप सोचो दोस्तों ये सारे के सारे मेंबर राजस्थान से गए हैं और ये संविधान सभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आपको याद करा देगी। और बताओ ये 15 मेंबर याद होंगे कि नहीं होंगे, गुड। मेरे को हाँ टीना जांगिड़ चौमू से कोई नहीं गया, गुड। अब आप मेरे को बताओ ये ट्रिक आपको कैसी लगी, फटाफट कमेंट करके बताओ, और ये मेंबर्स आपको याद होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। चलो मैं अब आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, वापस मैं प्रश्न पर आता हूँ, वहीं की वहीं पहला प्रश्न हो गया। अब क्वेश्चन संख्या 2 की तरफ चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 देखिए साहब, सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री रहे, सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री कौन रहे बताइए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए।
उनको आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है और उनको एक और कहा जाता है, उनको राजस्थान का युवा मुख्यमंत्री भी कहा जाता है। और एक चीज और बता देता हूँ, वो चार बार मुख्यमंत्री रहे लगातार, पहली विधानसभा में, दूसरी विधानसभा में, तीसरी विधानसभा में, चौथी विधानसभा में। उनके बारे में एक और खास बात बता देता हूँ। चलिए सर, भानु प्रताप सिंह, गुड वेलकम है आपका। चलो साहब, देखो देखो साहब, सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री रहे मोहनलाल सुखाड़िया जी, गुड। आप सब लोगों ने सही जवाब दिया है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। ये देखो साहब, फर्स्ट विधानसभा कब आती है, 1952 में, दूसरी 1957 में, तीसरी 1962 में, चौथी 1967 में, पांचवी 1972 में, ठीक है ना। छठवीं विधानसभा 1977 में, सातवीं विधानसभा 1980 में, ठीक है, ये राजस्थान की विधानसभा हैं, ठीक है। फिर 1985 में, फिर 1990 में, फिर 1993 में, फिर 1998 में, फिर 2003 में है विधानसभा, फिर 2008 में है, फिर 2013 में है, और फिर 2018 में। तो इस तरीके से राजस्थान में कुल विधानसभाएं कितनी है, अब तक कितनी विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं, अब तक 15 विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं। तो मोहनलाल सुखाड़िया जी का कार्यकाल है 1954 से 1971, ठीक है। तो देखो, पहली विधानसभा, दूसरी विधानसभा, तीसरी विधानसभा और चौथी विधानसभा। तो सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री कौन रहे, मोहनलाल सुखाड़िया जी। कितनी बार रहे हैं, चार बार रहे हैं, ठीक है ना। इन्होंने क्या है, अंतर जातीय विवाह किया था, मोहनलाल सुखाड़िया जी ने क्या किया था, अंतर जातीय विवाह किया था इंदू बाला जी से। बिल्कुल साहब, हेमलता चौधरी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को, बिल्कुल हेमलता ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, 1 नवंबर 1956 को हमारे यहाँ राज्य प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद आ गया था, और उस टाइम पर मुख्यमंत्री कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया थे, और उसके बाद में गुरुमुख निहाल सिंह जी भी आ गए थे। तब भी ये जब मुख्यमंत्री बने थे, 1900 कब बने थे, 62 में जब बने, नई विधानसभा में तीसरी में, तो अभी आपको पता होना चाहिए, दूसरी विधानसभा में बने तब भी आपको पता होना चाहिए, तीसरी विधानसभा में बने तब भी आपको पता होना चाहिए कि इन तीनों विधानसभाओं में राज्यपाल के रूप में इन्होंने शपथ दिलाई थी, जबकि पहली विधानसभा में जब बने थे तब इनको राज्य प्रमुख के द्वारा शपथ दिलाई गई थी। बिल्कुल सुमन कुड़ी, नमस्ते, बिल्कुल बहुत अच्छे बच्चों, बहुत बढ़िया। इंदू बाला लोकसभा मेंबर भी चुनी गई थी, बिल्कुल साहब। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि राजस्थान के सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री रहे थे मोहनलाल सुखाड़िया। बाकी तो आप लोग ऑफलाइन मेरे से पढ़ी रहे हो, इनके बारे में मैंने सारी बातें आपको बताई रखी हैं। थैंक यू, बहुत बढ़िया लगा कि आपको जो बातें बताई थी वो आपको याद भी हैं, और ये बातें ही आपको याद भी रहेंगी, और सरकारी नौकरी का एक नया स्वर्णिम इतिहास भी लिखेंगी, और आपका भविष्य भी आपकी मेहनत से निश्चित रूप से बनेगा। इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ मैं अगले पेज को और अगले प्रश्न को आमंत्रित करता हूँ। तो देखिएगा, प्रश्न आपके सामने है, बेहतरीन सवालों का बेहतरीन संगम है, और ये सवालों का समंदर है। ध्यान रखना दोस्तों, समंदर का अपना एक रास्ता होता है, ध्यान रखना। गिरते हैं घुड़सवार मैदान जंग में, वो खाक क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। दूसरी बात, कौन कहता है, कौन कहता है कि सिलेक्शन नहीं होता, तो मेहनत तो करो, सिलेक्शन तो होकर रहेगा। तो ध्यान रखना, ये मेहनत आपका सिलेक्शन करवाएगी, और मेरी टेस्ट सीरीज है ये राजस्थान फोकस रहेगी, तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी सिद्ध होगी। इसलिए आपकी सफलता में 100% सहायता करने के लिए ये ऐसी क्वेश्चनों की सीरीज लाई गई है जो आपको कहीं पर कट कॉपी पेस्ट में नहीं मिलेगी,
मेहनत से संस्थान के द्वारा बनाई गई टेस्ट सीरीज है। हमारा और आपका सहयोग एक आपको मुकाम तक पहुंचाएगा, एक मंजिल तक पहुंचाएगा। किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में उप मुख्यमंत्री रहा, किस मुख्यमंत्री काल में क्या रहा, उप मुख्यमंत्री रहा, गुड। जय नारायण व्यास, भैरव सिंह शेखावत जी, अशोक गहलोत जी, उपर्युक्त सभी बताइएगा। बहुत बढ़िया। तो उप मुख्यमंत्रियों की भी बात करेंगे हम, क्योंकि सचिन पायलट साहब भी रहे थे। बहुत बढ़िया, बताओ साहब। इसका उत्तर आप लोग दे रहे हो, गुड गुड, बहुत बढ़िया रहा। लेकिन जो उत्तर आ रहे हैं वो मिले जुले आ रहे हैं, अभी तक जो उत्तर आए हैं, गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, बहुत बढ़िया, उपर्युक्त सभी। देखो साहब, 1949 से 51 तक सीएम रहे थे हीरालाल शास्त्री, और 1951 जनवरी से अप्रैल तक रहे थे मुख्यमंत्री कौन, सीएस वेंकटाचारी, ठीक है। और 1951 अप्रैल 1951 से 3 मार्च 1952 तक रहे थे जयनारायण व्यास। तो जयनारायण व्यास के कार्यकाल में टीकाराम पालीवाल जी, ठीक है, कौन, टीकाराम पालीवाल जी उप मुख्यमंत्री रहे थे। ये राजस्थान के पहले उप मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल जी, जो आपको पता है मुख्यमंत्री भी रहे थे। बाद में 1952 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ, जयनारायण व्यास ने दो जगह से चुनाव लड़ा था, जोधपुर से और जालौर से, दोनों जगह से चुनाव हार गए थे। तब इन्होंने अपने कार्यकाल में उप मुख्यमंत्री टीकाराम जी को 3 मार्च 1952 को प्रथम निर्वाचित विधानसभा में मुख्यमंत्री बनवाया, जो 31 अक्टूबर तक रहे, क्योंकि 1 नवंबर 1952 को पुनः मुख्यमंत्री कौन बन गए, जयनारायण व्यास, जो दो बार रहे। क्यों, क्योंकि इन्होंने फिर किशनगढ़ से, अजमेर से चुनाव, उपचुनाव जीता था, ठीक है। बहुत बढ़िया साहब, के टी चौधरी समझ गए। तो इनके टाइम पर रहे टीकाराम जी। भैरव सिंह शेखावत जी के टाइम पर 1993 में जब भैरव सिंह जी दोबारा से क्या बने थे, तीसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। कब बने थे तीसरी बार, पहली बार 77 में, दूसरी बार 90 में, तीसरी बार 1993 में। 1993 से 98 तक उप मुख्यमंत्री बने थे कौन, हरिशंकर भावड़ा जी, इनके तीसरे कार्यकाल में बने थे। जब भैरव सिंह जी 93 से 98 तक क्या थे, मुख्यमंत्री थे, तब हरिशंकर भावड़ा जी, ये ध्यान रखना, हरिशंकर भावड़ा जी विधानसभा अध्यक्ष बने हुए हैं, तब क्या बने थे ये वो बने थे क्या बोलते हैं, उप मुख्यमंत्री बने थे। अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में, बिल्कुल साहब, अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में अशोक गहलोत जी पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं 1998 से 2003 तक के लिए, और मई 2002 से दिसंबर 2003 तक बनवारी लाल बैरवा साहब, एक तो ये बनते हैं उप मुख्यमंत्री, और दूसरे नंबर पर बनती हैं कमला बेनीवाल जी, कमला बेनीवाल, ध्यान रखना, कमला बेनीवाल मोहनलाल सुखाड़िया मंत्रिमंडल में 1954 में पहली बार मंत्री भी बनी थी, कैबिनेट मंत्री बनी थी, और ध्यान रखना ये अंत में अशोक गहलोत जी के टाइम पर उप मुख्यमंत्री भी रही हुई हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, दो उप मुख्यमंत्री किस मुख्यमंत्री कार्यकाल में बने, अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में। वहीं टीकाराम जी ऐसे उप मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री भी बने हैं, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, माँ के लाडले को बहुत बहुत नमस्कार। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके समझ में उत्तर आ गया होगा। ये जो आपको जानकारी हम दे रहे हैं, हमें पता है कुछ बच्चे जो हमसे ऑफलाइन पढ़ते हैं उनको हम पूरी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमसे नहीं पढ़ पा रहे हैं, और चूँकि ये राजस्थान की पॉलिटी अभी नए सिलेबसों में जोड़ी गई है, तो आप इनको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को। देखो ये तो नॉलेज है दोस्तों, जितना बांटोगे उतना बटेगा,
जितना आप दोगे उतना ही आपको बढ़ेगा। अच्छी अच्छी मन से अगर आप पढ़ रहे हो तो आपकी मेहनत को आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे निवेदन करता हूँ या आग्रह करता हूँ कि इस क्लास को जितना हो सके अपने मित्रों को लाभ देने के लिए शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, हम ये डिजिटल प्लेटफॉर्म आपके और संस्था के बीच लगातार संवाद का माध्यम है, इसलिए आपकी किसी भी तरीके की समस्या हो आप हमसे ऑनलाइन कर सकते हो, ऑफलाइन शेयर कर सकते हो, किसी भी तरीके संस्थान में आकर के आप हमसे मिल सकते हो, डिजिटल तरीके से समस्या का सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हो। हम आपके लिए ही हैं, इसलिए आप प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। SHT पॉइंट चैनल को जितना हो सके उतना शेयर और क्या करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और बिल्कुल KT चौधरी डी मेरा लग रहा है, और कॉन्सेप्ट क्लासेज हमेशा आपके लिए खड़ा हुआ है। कॉन्सेप्ट क्लासेज चैनल को भी आप क्या करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। जो अपन जहां पर जिस जगह से नॉलेज ले सकते हैं, जैसी भी स्थिति में, ट्रेन में, बस में, ट्रक में, मेले में, बहुत बढ़िया। KT बेटा मैं आऊँगा मेला देखने के लिए, मेरा बहुत मन करता है, मैं तो मेले में खूब खोया भी हूँ और मेले में मैंने खूब एंजॉय भी किया है। हमारी संस्कृति, हमारी अर्थव्यवस्था का आधार होते हैं राजस्थान के मेले। हमारी संस्कृति, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे सौहार्द, भाईचारे, प्रेम भाव, रिश्तेदारी जीवन को रंग बिरंगा करते हैं। मेलों के संग जीवन सतरंग, चढ़िएगा आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाहे गुरु जी, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन किस मुख्यमंत्री कार्यकाल में लगाया गया था? गुड, वेरी गुड। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन किस मुख्यमंत्री कार्यकाल में लगाया गया था? बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। राष्ट्रपति शासन में से सवाल आता ही आता है, सवाल आता ही आता है, सवाल आता ही आता है, तो बताओ। गुड, मेरे कॉन्सेप्ट परिवार के साथियों, मेरे मित्रों, मेरे बंधु बांधवों और प्यारे दोस्तों, राष्ट्रपति शासन को आप हर साल एग्जाम में देखोगे, इनमें से सवाल आता है, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे सेकंड ग्रेड का हो, चाहे ग्रेड थर्ड हो, चाहे RAS हो, PSI हो, सभी दोस्त ध्यान रखें, राजस्थान पॉलिटी में से बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आ रहे हैं। आजकल नेशनल से ज़्यादा राजस्थान में सवाल आ रहे हैं, बहुत उपयोगी क्वेश्चन हैं, इसलिए आप गंभीरता से उत्तर दें। और जैसा कि मैं देख रहा हूँ माहौल झमाझम हो गया है, उत्तर आ गया है, उत्तर दिया है उपर्युक्त सभी, गुड। मोहनलाल सुखाड़िया के टाइम पर लगा है, बिल्कुल 1967 में लगा है। भैरव सिंह जी के टाइम पर लगा है, बिल्कुल लगा है, 1980 में लगा है। हरदेव जोशी जी के टाइम पर लगा है, बिल्कुल लगा है, 1977 में लगा है। उपर्युक्त सभी, ये आपको कारण, समाधान, निदान, राज्यपाल कौन थे, ये सब हम आपको पढ़ाते रहे हैं। और मैं आपको बताता हूँ मोहनलाल सुखाड़िया सरकार में कैसे लगा था। 1967 में चौथी विधानसभा के चुनाव हुए थे, किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो दोस्तों फिर क्या हुआ, राज्यपाल थे संपूर्णानंद और उन्होंने राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी। इसके बाद में राज्यपाल चेंज हो गए थे, राज्यपाल आ गए थे उकम सिंह जी, तो फिर आते ही उन्होंने आमंत्रित किया मोहनलाल सुखाड़िया जी को, CM बनाया। और इसके बाद में फिर क्या हुआ, 1977 में जब आपको पता है छठवीं विधानसभा के चुनाव हुए थे, कब की बात कर रहा हूँ मैं, 77 की, 1977 में छठवीं विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो क्या हुआ, उससे पहले केंद्र में चुनाव हो गए थे, केंद्र में कौन आ गई थी, केंद्र में आ गई थी जनता पार्टी, राजस्थान मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी, और 1977 में केंद्र की जनता पार्टी सरकार ने राजस्थान की हरदेव जोशी सरकार को बर्खास्त करवाया था, राजनीतिक कारण थे।
को राजस्थान सहित 9 राज्यों की गैर जनता पार्टी सरकारों को बर्खास्त करवाया। हरदीप जोशी के टाइम पर दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा। उस टाइम पर राजस्थान के राज्यपाल थे वेदपाल त्यागी। कौन थे? जिनको कार्यवाहक राज्यपाल कहा जाता है, कार्यवाहक राज्यपाल कहा जाता है। इसके बाद में फिर राज्यपाल आ गए थे रघुकुल तिलक। लेकिन आपको पता होना चाहिए 1977 में जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो अपने यहाँ पर भी गैर कांग्रेसी सरकार बनती है, जनता पार्टी की सरकार बनती है, मुख्यमंत्री भैरव सिंह बनते हैं। लेकिन 1980 में जनवरी में केंद्र में कांग्रेस पहुंच चुकी थी। इंदिरा गांधी ने भी 9 राज्यों की जनता पार्टी सरकारों को बर्खास्त करवाया। राजस्थान में जनता पार्टी के सीएम भैरव सिंह थे। उस टाइम पर कौन थे राज्यपाल? राज्यपाल रघुकुल तिलक थे। और इस तरीके से जनता पार्टी सरकार का अंत हुआ। और 1980 में फिर क्या हुए? चुनाव हुए और राजस्थान में दोस्तों एक नए मुख्यमंत्री उभर करके आए जिनको बोला जाता है जगन्नाथ पाड़िया। 1980 में जगन्नाथ पाड़िया जी आए, लेकिन वो दलित सीएम कहलाते हैं, राजस्थान के एकमात्र दलित सीएम अनुसूचित जाति से। उनका नाम है जगन्नाथ पाड़िया। जगन्नाथ पाड़िया वही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने महादेवी वर्मा कवित्री पर टिप्पणी की थी, जिसकी वजह से उनको कुर्सी छोड़नी पड़ी थी, क्योंकि महादेवी वर्मा जी को इंदिरा गांधी बुआ कहती थी। बुआ क्या कहती थी? तो बुआ भतीजी का संबंध था, इसलिए ज़्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाए थे। तो ये सारी कहानी एग्जाम्स में आती रहती है, आपकी समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 5 पर मैं आ चुका हूँ दोस्तों, और पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखते हैं राजस्थान में कौन से मुख्यमंत्री थे जिनको कवित्री पर टिप्पणी के कारण पद से हटाया गया। अब देखिए आ गया प्रश्न, बताइए फटाफट। मैं माननीय विजय भारद्वाज सर का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, एमएल पुष्प को हार्दिक स्वागत करता हूँ, कैलाश गुर्जर, आरके, केटी गोकुल, मनोज लोढ़ी, बहुत बढ़िया। मैं दोस्तों आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जितना हो सके अपने SHT पॉइंट को, कॉन्सेप्ट क्लासेज को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। SHT की ये क्लासेज हम आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म से देते रहेंगे, आप हमसे जुड़े रहें। हम टेस्ट सीरीज ये लेकर के जो आ रहे हैं, आने वाले टाइम में हम आपके लिए मील का पत्थर सिद्ध होंगे। हमारी और आपकी मेहनत ही मिल करके एक नया कहानी लिखेगी, इतिहास बनाएगी, और वो इतिहास आपको रिजल्ट से आएगा, आपकी मेहनत से आएगा। बिना मेहनत के इतिहास नहीं बना करते हैं, बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं होता। जब खाना खाते हैं ना तो उसमें भी मेहनत लगती है। चलो बहुत बढ़िया, बिल्कुल संदीप जाखड़, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। फटाफट बताओ रे बच्चों, उत्तर आ ही गया आखिर। जगन्नाथ पाड़िया जी सी, गुड, बहुत बढ़िया। प्रश्न संख्या 6 की तरफ जा रहा हूं दोस्तों। मैं देखो ये क्वेश्चंस का जो मैं एक एक्सप्लेन आपको दे रहा हूं ये बहुत मायने रखता है ना, इसमें बहुत मैटर आपको बताया जाता है। राजस्थान का कौन सा मुख्यमंत्री था जिसको कार्यवाहक राज्यपाल ने शपथ दिलाई थी? कार्यवाहक राज्यपाल ने क्या दिलाई थी? शपथ दिलाई थी कार्यवाहक राज्यपाल, राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल। ठीक है, हमारे यहाँ कार्यवाहक राज्यपाल 8 बने हैं। क्या कितने बने हैं? 8। ठीक है, जिनमें से जगत नारायण पहले राज्यपाल हैं, जगत नारायण जी, और अंतिम राज्यपाल नवरंग लाल टिबलेवाल जी। ठीक है, जो 1998 से 99 तक रहे थे। अब बताओ साहब किनको दिलाई थी? ठीक है, गुड, उत्तर आ रहे हैं लेकिन अलग अलग आ रहे हैं। किसी का उत्तर ए है, किसी का बी है, किसी का डी है, किसी का सी है। योगेश सैनी नमस्कार भाई योगेश, गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा लगता है बच्चों जब आप कोशिश करते हो। देखो उत्तर तो चाहे कुछ भी आए वो मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है दोस्तों का आपने कोशिश बहुत अच्छी की है ना, मायने ये रखता है कि आपने क्या अच्छी की, कोशिश अच्छी की। तो मैं आपकी इसी कोशिश को ही तो क्या है सैल्यूट करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल साहब, 1 साल पहले जगन्नाथ पाड़िया जी का देवलोक गमन हो गया है, बिल्कुल गुड़गामा में उन्होंने अंतिम सांस ली थी। माननीय
बिल्कुल साहब, मुख्यमंत्री महोदय का जो भी राजनीति में एक अलग से मुकाम था, और जगन्नाथ पाड़िया जी बिहार और हरियाणा के राज्यपाल भी रहे थे। बिल्कुल साहब, गुड, बहुत बढ़िया। इसका उत्तर क्या जाएगा बताओ? अशोक गहलोत जी, ठीक है ना, नवरंग लाल तिबरेवाल जी। इन्होंने शपथ दिलाई थी साहब, ठीक है। चलो हाँ, अरबीर खोइया, बहुत बढ़िया बेटा। चलो साहब, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सर्वप्रथम कौन सी विधानसभा में बनी थी? अब देख लो, विधानसभा में, अब विधानसभा आपको बतानी है, मैंने अभी अभी आपको विधानसभा लिखी भी थी। फटाफट बताओ कौन सी विधानसभा में। कर दो माहौल को झमाझम बच्चों। देखो साहब, उत्तर आने लग गए, गुड। पहली विधानसभा, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं, तेरहवीं, चौदहवीं और पंद्रह। पंद्रह विधानसभा बनी है। पहली 1952, दूसरी 1957, तीसरी 1962, चौथी 1967, पांचवी 1972, छठवीं 1977, सातवीं 1980, आठवीं विधानसभा 1985, नौवीं 1990, 1993, 1998, ठीक है, 2003, 2008, 2013 और 2018। अब जो 2023 में होगी वो 16वीं विधानसभा होगी, ठीक है ना। तो देखो, 2003 में बनी थी साहब मैडम, और 2003 में 12वीं विधानसभा थी, इसलिए उत्तर क्या आएगा दोस्तों? सी आएगा, ठीक है। और पहला मुख्यमंत्री, पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम है वसुंधरा राजे जी। कौन है? वसुंधरा राजे जी हैं। वसुंधरा राजे आपको पता सिंधिया परिवार से हैं, ग्वालियर परिवार से, और इनका जो जन्म स्थान है, जन्म स्थान मुंबई है। कहाँ पर है? मुंबई में जन्मी थी, मुंबई। जन्म स्थान क्या है इनका? मुंबई है, ठीक है। चलो साहब, बहुत बढ़िया। लेकिन आप जो जो कोशिश करते हो दोस्तों, ये मायने रखती, उत्तर तो कई बार क्या गलत हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। इट इज पार्ट ऑफ लर्निंग, हम सीख ही तो रहे हैं। गलत होगा तो ही तो क्या सही होगा। अगर हम इस डर से गलती ना करें, बच्चा एकदम चलना थोड़ी ना सीखता है। बिल्कुल बिल्कुल साहब, वसुंधरा राजे झालावाड़ के झालरा पाटन घंटियों के शहर से विधायक हैं अभी भी, ठीक है, वहीं से चुनाव लड़ती है विधानसभा का। बिल्कुल साहब, क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सर्वप्रथम कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 6 और 7 रिपीट हो गया बच्चों, रिपीट हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर 6, नहीं नहीं नहीं, वो की वही है। अच्छा अच्छा चलो, क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री से संबंधित नहीं है बताओ? हाँ जी, कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री से संबंधित नहीं है? अनुच्छेद 163, 164, 167, 169। अनुच्छेद 163, मंत्री परिषद का अध्यक्ष सीएम होगा, ये लिखा हुआ है साहब। 164, 164 क्या कहता है? राज्यपाल द्वारा, किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा
मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। गुड, उत्तर आ रहा है आप लोगों का। और अनुच्छेद 167, सीएम का कर्तव्य है, सीएम का क्या है कर्तव्य है कि राज्य मंत्री परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों की सूचना वह राज्यपाल को देगा। और अनुच्छेद 169, विधान परिषद का सृजन यानी निर्माण या समाप्ति यानी उत्सादन संसद द्वारा किया जाएगा साधारण बहुमत से कानून बना करके। इसलिए उत्तर क्या आएगा? उत्तर आएगा डी। आंसर क्या आएगा दोस्तों? डी आएगा। ठीक है, आंसर क्या आएगा? डी आएगा। गुड, आप सब लोगों ने, बिल्कुल आप सब लोगों ने जो उत्तर दिया है, मैं एक बार इन आर्टिकल्स को बोल देता हूं। अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल को परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, लेकिन राज्यपाल को जिन मामलों पर स्वविवेक से निर्णय लेना हो उन मामलों पर मंत्री परिषद का परामर्श वो नहीं लेता, इसलिए राज्यपाल अंततः मंत्री परिषद का परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 164(1), राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है और मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। फिर 91 संविधान संशोधन 2003, सीएम सहित मंत्री परिषद की सदस्य संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या के अधिकतम 15% होगी या कम से कम 12 होगी। फिर मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। फिर उसके बाद में सभी मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ राज्यपाल दिलाता है अनुसूची 3 के तहत। यदि कोई मंत्री ऐसा है जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के भीतर सदस्यता लेना बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों ये सारी की सारी बातें लिखी हुई 164 में और फिर 167 में, सीएम का यह कर्तव्य है कि राज्य मंत्री परिषद द्वारा लिए गए विधायी और प्रशासनिक निर्णयों की सूचना वह राज्यपाल को देगा। इसलिए राज्यपाल और मंत्री परिषद के मध्य की कड़ी मुख्यमंत्री होता है। ठीक है भाई मुकेश प्रजापति अलवर, तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ दोस्तों कि ये सारे के सारे आर्टिकल्स आपको याद भी होंगे। ठीक है, इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो प्रस्तुत है आपके सामने। राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री को राजा मानसिंह हत्याकांड के बाद पद से त्यागपत्र देना पड़ा? ये विधायक का एनकाउंटर करवाया था साहब, मानसिंह जी डीग से विधायक थे, विधायक डीग राजा मानसिंह जी। ठीक है, विधायक जी का एनकाउंटर ही हुआ है, ये तो 1985 की बात है। कब की बात है? 1985 में, बिल्कुल। बताइए, बिल्कुल उत्तर आ गया साहब, नाम है शिवचरण माथुर। ये मध्य प्रदेश के हैं साहब, गुना में पैदा हुए थे मध्य प्रदेश में, फिर करौली में क्या है इनका ननिहाल था, करौली आ गए, करौली से भीलवाड़ा आ गए, और इस तरीके से भीलवाड़ा में क्या है ये यहाँ पर साहब नगर पालिका के क्या रहे, ये चेयरमैन भी रहे हुए थे। बताइए राजनीति और फिर मुख्यमंत्री रहे ये राजस्थान के शिवचरण माथुर जी, क्या 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी भी बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इनका शिवरात्रि पर जन्म हुआ था तो शिवचरण इनका नाम हो गया था। बिल्कुल साहब, शिवचरण माथुर जी हैं। एक्चुअली क्या है, विधानसभा के प्रचार के लिए आए थे 1985 में डीग में, और एक्चुअली उस टाइम पर क्या हुआ, राम अवतार मीना में समझा नहीं बेटा तुम्हारी बात, तुम क्या कह रहे हो सर, पेपर सेकंड करा दो ना प्लीज। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, हरवीर खोइया में जो मानसिंह जी को जहाँ पर एनकाउंटर हुआ था उस जगह पे मैं रहता हूँ, रा हुआ हुआ कू है ना,
अब तो खैर नहीं रहता हूँ लेकिन मैं खूब रहा हुआ हूँ, है ना। चलो, शिवचरण माथुर जी चुनावी प्रचार में आए थे तो राजा मानसिंह जी ने, हाँ बिल्कुल साहब, तो राजा मानसिंह जी ने क्या किया दोस्तों, राजा मानसिंह जी ने क्या है, एक चुनावी रैली अपनी भी कर रहे थे, निर्दलीय विधायक थे डीग से, तो शिवचरण माथुर जी आए और राजा मानसिंह जी ने क्या है, उनका जो हेलीकॉप्टर जो खड़ा हुआ था उसमें क्या है टक्कर मार दी थी। बाद में फिर क्या है, जब शिवचरण माथुर जी को पता चला तो उनसे बात भी करना चाह रहे थे लेकिन बात नहीं हो पाई। फिर जहाँ शिवचरण माथुर जी ने क्या है चुनावी रैली में जहाँ भाषण दिए थे उस मंच को भी क्या है बाद में इन्होंने अपनी जीप से तोड़ दिया था जोंगा से। इस तरीके से सर ये हुआ कि शिवचरण माथुर जयपुर आ गए और जयपुर आने के बाद उन्होंने कहा कि भाई क्या है क्या इनको क्या देखते गोली मारने का ऑर्डर दे दिया गया और लास्ट में क्या हुआ इनके जो हत्यारों के खिलाफ है वो केस दर्ज हुआ मथुरा में और मथुरा में क्या अभी डिसीजन भी आया है। लेकिन आप जानते हो कि लगभग 90 से ज़्यादा उस कोर्ट में मथुरा की कोर्ट में क्या है जज चेंज हो गए, इस तरीके की हमारी न्याय व्यवस्था है तो देख लीजिए ना। तो इस तरीके से दोस्तों शिवचरण माथुर हैं और इन्होंने क्या है बिल्कुल बाद में इस्तीफा दे दिया साहब क्योंकि फिर मामला तनावपूर्ण हो गया था। और जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया तो यही वजह है कि फरवरी, ठीक है ना, 23 फरवरी 1985 को से 10 मार्च 1985 तक सीएम रहे थे हीरालाल देवपुरा जो न्यूनतम कार्यकाल वाले सीएम माने जाते हैं, ठीक है। ये ऐसा माहौल था फिर क्योंकि इनको तो हटा दिया गया था ना फिर हाईकमान के द्वारा। अगला साहब, राजस्थान किस मुख्यमंत्री को प्रथम डिक्टेटर कहा जाता है, राजस्थान के किस मुख्यमंत्री को प्रथम डिक्टेटर कहा जाता है बताइए। बताओ फटाफट विकेश, प्रथम डिक्टेटर, एक्चुअली प्रथम, हाँ प्रथम डिक्टेटर कहा जाता है जयनारायण व्यास को। जयनारायण व्यास इन्होंने क्या है जागीरदारी प्रथा, जागीरदारी, ठीक है, और ये जो जमींदारी प्रथा है के खिलाफ आंदोलन किए थे खूब, क्या किए थे आंदोलन किए थे। और इन्होंने क्या है इन आंदोलन के दौरान इन्होंने क्या जयनारायण व्यास जी को प्रथम डिक्टेटर की उपाधि दी गई थी और इन्होंने क्या बंबई से, बंबई चले गए थे बाद में आंदोलनों में, ठीक है ना, राष्ट्रीय आंदोलनों में बड़े बड़े नेताओं के संपर्क में रहे थे व्यास जी। और इन्होंने क्या बंबई में अखंड भारत नाम से एक क्या निकाला था एक पत्र भी निकाला था और अपने राजस्थान के नाम से भी क्या है इन्होंने एक पत्र निकाला था तरुण राजस्थान के नाम से। और ये जयनारायण व्यास जी हैं जिनको प्रथम डिक्टेटर कहा जाता है, ये वही हैं जो मुख्यमंत्री रहते पहली विधानसभा का चुनाव तो लड़े थे लेकिन दोस्तों ये विधानसभा का चुनाव हार गए थे, इसलिए राजस्थान के प्रथम निर्वाचित विधानसभा में 3 मार्च 1952 को मुख्यमंत्री बनाए गए थे, उनका नाम है टीकाराम पालीवाल। तो आज दोस्तों मैं इतना ही लूँगा, आपको क्लास कैसी लगी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। राजस्थान की राजनीति, राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान की राज व्यवस्था और मुख्यमंत्री संवैधानिक प्रावधान, वो सब मैंने आप तक पहुँचाने की कोशिश की है, गागर में सागर भरने की कोशिश की है। क्लास कैसी लगी ज़रा मुझे बताइए थंब दे करके। जय हिंद, जय भारत, जय डिजिटल प्लेटफॉर्म, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, गुड नाइट दोस्तों।